पे हो रही होगी लेकिन पूरे प्रदेश में। और जो आज अनुप्रिया ने ये गंदगी की है वो माफ करने लायक नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास एक बार करना चाहिए लेकिन माफ 100 बार कर देना चाहिए, लेकिन आज अनुप्रिया की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। ये कहां से उसने गंदगी सीखी इसका अंदाजा मुझे नहीं है, ना मेरे ये संस्कार हैं, लेकिन वो माफ करने वाली उसकी गंदगी नहीं है। आज जब से चुनाव हुआ है, जब से चुनाव हुआ है मार्च से बराबर मेरे दरवाजे में पुलिस बैठी है, मेरे घर में पुलिस बैठी है, मेरे बच्चों को यातनाएं दी जा रही है। इस पुलिस प्रशासन ने मेरे दामाद को उनके घर में, उनके ननियाल ददियाल सब जगह पुलिस भेजी हुई है। इतनी घृणित काम कर रही है, उसने सोचा नहीं है जो परिवार के लिए कर रही है कि समाज के लिए कर रही है। कोई अगर ऊंचाइयों पे जाता है तो समाज का काम करता है, गरीबों की मदद करता है, वो परिवार में इतनी गंदगी फैला रही है, उसको शर्म नहीं आ रही। बदतमीज को मेरे सामने आ जाए मैं 2 चाटे लगाऊं, उसका मुंह तोड़ दूं नालायक का। होगी नेता, होगी मंत्री, जिसके लिए होगी। मंत्री और नेता मैंने अपनी कलम से बनाया, उसको पहली बार विधायक मैंने जिताया है, दूसरी बार सांसद मैंने बनाया है। आज इसके दिमाग इतने खराब हो गए हैं, लोग कहते हैं आपकी घर की लड़ाई है, घर की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई बर्दाश्त की है, वो अपने सिवा किसी को आगे आने नहीं देना चाहती है। और जितना गुनाहगार उसका हस्बैंड है उससे 20 गुना गुनाहगार अनुप्रिया है। इसलिए खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।